લોકડાઉન ને પગલે પાંડેસરા વિસ્તારમાં સાવરિયા નામની કરિયાણાની દુકાનમાં ચોરી થવા પામી હતી. દુકાનમાંથી અનાજ જેવી જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓની ચોરી થવા પામી હતી. અંદાજિત 50,000થી વધુની ચોરી થવા પામી હતી, જે મામલે પોલીસે ચોરીની ફરિયાદ નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. सर, आपका नाम, आप कहाँ रहते हो और किसकी दुकान है और क्या हुआ था? जी, मेरा नाम प्रकाश भाई मारवाड़ी है. मैं इधर बी टाइप में 434 प्लॉट नंबर में रहता हूँ और 488 प्लॉट नंबर में किराने की रिटेल दुकान चलाता हूँ. कल सुबह 10:30 बजे मैं दुकान बंद करके घर पे गया सुबह में, और आज सुबह 6 बजे वापस आके जब दुकान खोलने आया तो मैंने देखा कि मेरा आधा शटर टूटा हुआ है. फिर जब अंदर जाके देखा तो दुकान में से बहुत सारा सामान चोरी हो गया था. उसमें 10-12 कट्टा चावल है, 1-2 कट्टा शक्कर है, और तिरुपति का पाउच है, 2-3 कार्टून, 5 लीटर का डब्बा है, 10-1 डब्बा चाय पत्ती, 10-15 किलो है. और दुकान में से जो भी बड़ा बड़ा सामान जो भी था, कोलगेट वोलगेट जो भी महंगा महंगा, वो सब सामान गायब है. ऐसा कुल मिला के 50-60 हज़ार का सामान चोरी हुआ है. जी, आप CCTV लगाया है दुकान में? नहीं, दुकान अभी नया चालू किया है, 2-3 महीने से. तो दुकान चालू किया और 1 महीने बाद लॉकडाउन लग गया, इसके लिए वो कैमरा लगा नहीं पाया. कौन सी जगह आपकी दुकान है? पांडेसरा हाउसिंग पानी टंकी और स्वतंत्रता सेनानी नगर 488 प्लॉट नंबर, सावरिया सुपर स्टोर नाम है दुकान. पुलिस फरियाद की? हाँ, पुलिस मैंने आते ही फिर शटल टूटा हुआ देखा तो 100 नंबर पर फोन किया. फिर पुलिस का गाड़ी आया था तो वो सब आश्रय. कितने की चोरी हो गई है? 50-60 हज़ार के लगभग चोरी हुआ है.